मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था 5 साल पहले भविष्यवाणी, अब संसद में होने लगा कुछ वैसा ही। विपक्ष के दांव पर उनको ही मात देने की तैयारी में भाजपा, उधर विपक्ष का दावा सरकार पड़ जाएगी खतरे में। 3 बार गिर चुकी है ऐसे सरकार, फिर अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी मोदी बेफिक्र क्यों? संसद में दोनों सदनों में मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा चल रहा है। मुद्दा है मणिपुर का, जिसे लेकर केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष के घेरे में है। विपक्ष लगातार सदन में मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान और चर्चा चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष खुद भाग रहा है सदन में। इसी हंगामे के बीच 26 पार्टियों के गठबंधन वाले विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। वहीं भाजपा इस पर बेफिक्र दिख रही है। भाजपा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो अब तक कई प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो चुका है, जिसमें से 3 प्रधानमंत्री की सरकार भी इस प्रक्रिया में गिर चुकी है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई प्रधानमंत्रियों को इस प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी सरकारें गिरती देखी है। वहीं चौधरी चरण सिंह ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब 2023 में मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत साबित करना होता है। इस वक्त भाजपा केंद्र में प्रचंड बहुमत लिए हुए है। अकेले भाजपा की 303 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 272 मत की आवश्यकता होगी। यही कारण है मोदी सरकार बेफिक्र दिख रही है। समीकरण की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 331 सदस्य हैं। इसमें से अकेले बीजेपी के 303 सांसद हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के पास 144 सांसद हैं, जबकि केसीआर की बीआरएस, वाईएस जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और नवीन पटनायक की बीजेडी जैसी पार्टियों की संयुक्त ताकत 70 है। अगर सभी मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए मत देते हैं तो 214 सांसद होंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के मत की जरूरत होती है। अभी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, फिर इस पर मत लिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत साबित करने बोलेंगी। अगर एनडीए बहुमत नहीं साबित कर पाती है, ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। हालांकि एनडीए अभी बहुमत में है, तो सरकार गिरने की संभावना ना के बराबर है। इधर विपक्ष एकजुट है। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होते ही इंडिया गठबंधन ने चक दे इंडिया का नारा भी लगाया है। बता दें, इसी बीच पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की अभी से शुभकामनाएं। ये वीडियो 2018 का है, जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। इसके समर्थन में केवल 126 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। इसी दौरान सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उक्त बातें कही थी। अब 9 सालों में दूसरी बार विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, पहले 2018 और 2023 में।